एक तारीख को जब ये घटना हुई तो आप ही लोगों के मीडिया चैनल के थ्रू मुझे पता चला कि एक ऐसी दिल्ली की बेटी के साथ ये हुआ है, तो मैंने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और वहां से मुझे इनके घर का एड्रेस मिला और मैं इनके घर में पहुंचा। मैंने इनकी माताजी को इस बात का आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जैसा भी सपोर्ट की जरूरत होगी मैं आपका बेटा होने के नाते करूंगा और 3 दिन से मैं परिवार के साथ हूं सारी चीजों में। अब जो कल से चीजें उठ रही हैं, सबसे पहले जो निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुधबुद नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमन, एब्डोमन जो है एब्डोमन में इसमें क्लियरली मेंशन है स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, मतलब कि एब्डोमन में किसी भी तरीके का कोई अल्कोहलिक पदार्थ नहीं पाया गया है। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात सर लेट मी फिनिश सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था जिसको हम ब्रेन कहते हैं वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग और डॉक्टर भूपेन चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निर्धारित बात नहीं करूंगा। इस जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूंगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा एक झटका होता है और एक हलाल होता है। झटके में जो होता है एक ही बार में हम उसको मार देते हैं और हलाल में हम धीरे 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 करके उसको मारते हैं। तो यहाँ पे अंजलि के साथ जो हुआ है दैट इज नॉट अ सिंपल मर्डर, इट इज अ सैडिज्म मर्डर इन विच उसको धीरे धीरे पेन दे के मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके शरीर पे तकरीबन 40 इंजुरीज आई हैं। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें, टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन हैं। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसता रही थी तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहां पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मींस जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहाँ हीट जनरेट हुई है और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया, कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो फाइनल अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूँ तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना बहुत जरूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए, आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे, तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स, लंग्स की पोजिशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था।